नमस्कार मेरे प्यारे साथियों क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे साथियों मैं लेकर आया हूं जीके टॉप टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दस का दम है सीरीज में आ रहा है तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है तो हम आपको बता दें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्रस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हम आपको बता दें कि जो ऊपरी परत है वो क्रस्ट होता है उसके नीचे वाला दूसरा जो परत है वो मेंटल है और उसके नीचे जो है वो आउटर कोर है एकदम केंद्र वाला जो परत है वो इनर कोर के नाम से जाना जाता है अगला क्वेश्चन है He... पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चंद्रमा है यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ स्थित है तो हम आपको बता दें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है वो देहरादून में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जीम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत निम्न निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ब्रिक्स यानी बी का मतलब होता है ये ब्राज़ील हो जाएगा आर का मतलब होता है रसिया हो जाएगा आई का इंडिया सी का चाइना और अयस से साउथ अफ्रीका होता है हाँ तो हम आपको ये बता दें ये जो नाटो है नाटो यानी कि होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मतलब कि जो यूरोप के जितने कंट्री हैं लगभग इसके सदस्य हैं और ये जो आपका जो करेंट टाइम में जो यूक्रेन है वो भी नाटो का सदस्यता लेना चाहता था लेकिन रूस ने उसे मना कर दिया क्योंकि

भारत आए थे अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का सबसे जो निचला मंडल है वो क्या कहलाता है तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप इसमें नीचे फिगर में देख सकते हैं कि सबसे जो पृथ्वी के निचला सर्फेस है वो क्षोभ मंडल है फिर उसके ऊपर का समताप मंडल फिर मध्यमंडल तापमंडल और फिर उसके बाद बाह्यमंडल है तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्षोभ मंडल अगला क्वेश्चन है कि मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है तो हम आपको ये बता दें जितने भी वायुमंडली घटनाएं होती हैं और जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो होती है आपका शोभ मंडल की और समताप मंडल की बात करते हैं तो संताप मंडल में जो तापमान होता है टेम्परेचर होता है वो समान होता है और इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं और उसके बाद जो ओजोन लेयर होती हैं ओजोन लेयर इसमें क्या होता है कि वो वायलेट रेज से इसको बचाता है अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है पद्मावती कथा के लेखक कौन थे तो पद्मावती कथा के लेखक कौन थे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलिक मोहम्मद जासी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा एकदम करेक्ट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद